और नेवले की शुरू हुई मोहब्बत। ऋतिक से मोहब्बत में दुत्कार पाने के बाद सेशा फंसी कबीर के प्यार में। अरे भाई, इंसान नहीं मिला तो क्या हुआ, नेवला ही सही। नागिन में हर रोज आ रहा है कुछ नया ट्विस्ट, और ये ताजा ताजा ट्विस्ट लेकर आया है नेवला कबीर। क्योंकि नागिन एक्सटेंड हो गया है, तो ये जो भी हो रहा है अभी एपिसोड्स, रीसेंट एपिसोड्स के लिए है। एंड जैसे आप देख रहे हैं दैट नेवला इज बैक, सो आपने ये भी देखा होगा कि नेवला और एक नागिन की दोस्ती हो चुकी है बिकॉज ऑफ द सेम मोटिव्स। सो इसलिए जो भी आप देख रहे हैं वो सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। जी हाँ, नागिन जल्द ही खत्म होने वाला था और उसका क्लाइमेक्स भी शूट हो गया है, लेकिन नागिन को आईपीएल तक के लिए एक्सटेंशन मिल गया, इसलिए कहानी के बीच के एपिसोड्स के लिए नेवले की एंट्री करवा कर शो में लाया गया नया मोड़। फिलहाल इस सीन में सेशा इस कमरे में ऋतिक को ढूंढते हुए आती है और जाकर उसके गले लग जाती है, लेकिन यहाँ पर ऋतिक नहीं बल्कि नेवला है। पहले तो सेशा भागने की कोशिश करती है, लेकिन नेवला कबीर उसे समझाता है कि अगर उसे शिवन्या से इंतकाम लेना है तो दोनों को साथ होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, शामत की प्लानिंग हो रही है मेरी और नेवले की, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो अब एक बार फिर से सेशा शिवन्या के रूप में रहेजा परिवार में दाखिल हो चुकी है और कबीर के साथ मिलकर खेल खेल रही है। वैसे नागिन की कहानी फिलहाल दर्शकों को काफी कंफ्यूज कर रही है। देखते हैं कि कहानी की इस तोड़ मोड़ को दर्शक किस तरह लेते हैं। मुंबई से आकिब खान के साथ आज तक ब्यूरो।